ये जीवन नगर का है। ओके okay. ये मैंने किसी से लिया, उन्होंने वहां से लिया था और ओके उसके बाद फिर मेरे पास आया है। एंड इसका जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ इसका फिनोटाइप है, ओके अगर आप देखें हम्प से लेके सारे के सारे जो कंफर्मेशन है जी बहुत अच्छे हैं इसके। इसकी मदर जीवन नगर में ही है अभी, उनकी ओके अच्छी गायों में हाई मिल्कर्स में से एक है। उसकी ओके मदर का जो पेडिग्री है वो बेसिकली जनक की लाइन से है। ओके तो इसकी मदर की मदर जो है जनक की सिस्टर थी। एंड इसका जो मदर का फादर वो गेंटोक ओके था एंड इसका खुद का फादर साजन है। फिर तो बहुत ही अमेजिंग ब्लड लाइन हाँ, से। सो अगर आप इसके ट्रेट्स को देखें तो और साजन की फोटो देखें तो काफी मिलता जुलता जी उससे आया है ये। तो इसका जो प्राइमरी, सो मैं आपको और बता दूं कि हमारा जो है 70% रिजल्ट्स एआई से आते हैं। ओके सो क्योंकि पहला अटेम्प्ट हमारा एआई होता है, ओके ठीक सेलेक्टिव ब्रीडिंग आप उसी में से कर सकते हैं, है ठीक है। तो जहाँ पे रिपीट केसेस हैं जी। तो उस पे फिर हम बुल यूज करते हैं, राइट। और एआई को भाई मेंटेन करने के लिए कि गायें कंसीव रहे, उसके लिए आप क्या करते हैं? बहुत मुश्किल है इतने बड़े हर्ड में एआई को मेंटेन कर पाना। बेसिकली जितनी भी गायें हैं सुबह मिल्किंग के बाद और खाने के बाद 7 बजे से लेके जी और दोपहर को 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ पूरे एरिया में घूमती रहती हैं। सो हमारी सारी गायें जो हैं खुली रहती हैं। इस एरिया के अंदर जी, हम बाहर तो भेज नहीं सकते बिकॉज जी बाहर के सारी डिजीज टेस्टेड हैं, वैक्सीनेटेड हैं जी वगैरह वगैरह, तो जी बाहर के एनिमल से मिक्सिंग में वो चांस लेने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि ये पूरे दिन घूमते हैं तो फिर हम इन पे वॉच रखते हैं। हाँ, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट मिलता तो हाँ, रिपीट ब्रीडिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इस चीज से। तो अगर गाय बंधी हुई है तो वो जंप नहीं कर सकती, जो जी हीट के जी जो साइंस हैं वो जी आपको डिस्चार्ज, फिर आपके पास खाली ऑप्शन बचा। जी तो अगर वो खुले रहती हैं और कोई वॉच कर रहा है तो अगर जंपिंग स्टार्ट हुई या और कोई और उन्होंने टीजर बुल के, एज अ टीजर बुल भी ये काम कर देते होंगे आपका। ये बुल जो है वो सुबह 7 में खुलता है जी और सुबह से लेके 12 बजे तक, सो जब तक कोई पर्सन ऊपर है ये ऊपर रहता है। ठीक है फिर अगर कोई हीट में साइन दिख रहा होता है किसी जी गाय का तो फिर हम बुल को बांध देते हैं या बुल से क्रॉस कराना होता है तो कराते हैं। ठीक है तो ये बेसिकली प्रोसेस है। तो हीट के मैनेजमेंट में ही सबसे बड़ा चैलेंज है जी ऑनेस्टली, उससे बड़ा कोई चैलेंज है नहीं। तो इससे फिनोटाइप इम्प्रूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प आ रही है बिकॉज जी जीवन नगर में वट एवर सेरेंडन सारा जो बेस्ट फिनोटाइप है वहीं से आता है। जी इसकी खुद की फिनोटाइप ट्रांसमिशन केपेबिलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसके बच्चे बहुत ज़्यादा बिल्कुल इस पे जा रहे हैं। ओके और इसके फिनोटाइप में देखें तो आप एक जो खाली इशू है वो सींग वाला है हल्का सा, वो भी थैंकफुली बिल्कुल ऊपर जाते हुए नहीं है, लेकिन जीवन नगर में ये चीज है। ओके आपको जितने भी फील्ड में भी बुल्स होंगे जीवन नगर के सबके सींग दगे हुए होंगे, पर अगर उनको छोड़ दिया जाए तो फिर ऐसे ही ऐसे निकल के आएंगे। निकल के आते हैं। ओके जनक की लाइन में आई थिंक वहां से काफी ज्यादा ये ट्रांसमिट हुआ, भैनी साहब में ये नहीं है जी इतना। एंड ये दूसरा बुल है, मैंने आपको पहले एक NDRI की हाँ, गाय गाय जो दिखाई दिखाई आपने थी जी तो ये उसी का बेटा है। जी साइज में आप देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जी जो कि हाँ एक आपको मैंने बताया भी था फीड कन्वर्जन NDRI जी गायों बिल्कुल का बेटर होता है मिल्क के बिल्कुल लिए। बिल्कुल इसका साइज भी कम है लेकिन अगर आप फिनोटाइप देखें तो सारे पैरामीटर्स में परफेक्ट आता है ये हर जी चीज में। जी एंड मिल्क इसकी मदर का तो है ही अच्छा, इसकी फादर साइड में जो इसका फादर है उसकी मदर 2094 की जो वहां का प्रूवन बुल है जी उसकी मदर है। तो ओके एसेंशियली 2094 की मदर की लाइन से है ओके इसका फादर। एंड गाय वही है, वो भी NDRI की है। तो ये दूसरा बुल है। ठीक है ऑल इन ऑल हमने 4 बुल यूज करे हैं अभी तक ओके ओवर ओके टाइम। एक और बुल है वो दूसरे फार्म पे है ठीक है एंड एक बुल अभी किसी और को दिया है ओके वो भी NDRI लाइन से था। सो एसेंशियली 2 बुल नामधारी लाइन से और 2 बुल NDRI लाइन से एंड बाकी फोकस अपना 70%+ तो हमारी सक्सेस AI पे हो जाती जी। और भाई फार्मर्स के लिए आप इंटरव्यू के एंड में कोई सलाह देना चाहें जो सक्सेसफुल होना चाहे, क्योंकि बहुत ही टफ हो गया है आज के समय में ये काम, जी जी और जी लोग घाटे में खा रहे हैं, बहुत सारे फार्म्स बंद हो रहे हैं, जी जी तो क्या ऐसा करें फार्मर्स, किन चीजों का ध्यान रखें जिससे वो थोड़ा बच सकें इन चीजों से। देखिए पेशेंस तो चाहिए। मैंने जी बहुत लोगों को देखा है कि जो
तीन साल चार साल करके छोड़ देते हैं जी, बट आपको मैंने दिखाया भी था रिजल्ट्स तो पांच साल के बाद ही आते हैं थोड़े जी, बहुत जी, वो भी ऐसा नहीं पांच साल बाद आपकी सिचुएशन कम्प्लीटली बदल गई जी, धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली आपकी बदलती है जी, तो अच्छी सिचुएशन तो दस साल में ही आएगी जी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। आई थिंक कॉमर्शियल्स पे हमने अभी एक्चुअली कोई डिस्कशन करा नहीं है, वो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है स्पेशली देसी गाय के केस में, कि आपके मिल्क कहाँ जा रहा है, कि आप उस प्रोडक्ट बना के उसका बेटर रियलाइजेशन कर सकते हैं, उसमें केयरफुल रहना। बट एट द एंड ऑफ द डे कॉमर्शियली इसको करने के लिए आपको अपनी प्रायोरिटीज थोड़ी पहले दिखनी होंगी कि क्या एग्जैक्टली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर कोई नया, ज्यादातर लोग जो देख रहे होंगे वो तो कर रहे हैं काफी टाइम से, बट अगर कोई नया करना चाहता है तो फिर अगर आपको 100 रुपए लगाने हैं इस चीज में, तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है आप 100 रुपए में से 50 ही लगाइए, 50 ऑपरेटिंग एक्सपेंस के लिए रखिए, बिकॉज इनिशियली ये चीज समझ में नहीं आती कि एक गाय आप खरीदेंगे तो वो 50,000 की आएगी, बहुत अच्छी गाय ली तो 1.5 लाख की आ जाएगी जी विद पेडिग्री, लेकिन उसका हर महीने खाने का खर्चा, मेंटेन करने का खर्चा जो है उसको आप एनुअल देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं लेबर सब चीजें मिला के 80-90 हजार हर साल एक गाय पे खर्च कर रहे हैं, अंटिल अनलेस आपके पास गौचर भूमि नहीं है या आपकी चरने नहीं जाती हैं या कुछ वो वाला केस है, तो असली खर्चा गाय पे नहीं है, असली खर्चा गाय की मेंटेनेंस पे है और ये एनुअल खर्चा है। तो इमेजिन 4 साल में वो कितना बिल्डअप हो जाएगा अगर आप उसी गाय से 50-60-70-80-90 हजार हर साल नहीं वापस जनरेट कर रहे हैं। और एक और चीज, नॉर्मली एक फार्मर का जो दूध की कॉस्टिंग होती है, हर फार्मर को अपने आप को स्टैंड रखने के लिए कितने मिनिमम कितने रेट पे कम से कम तो दूध बेचना ही चाहिए, वो डिपेंड करेगा कि आपकी कॉस्टिंग क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर एग्जांपल हरा चारा भी बाहर से ले रहे हैं राइट जी, और आप अप कंट्री में हैं जहाँ पे बहुत खेत हैं आसपास, मेरे पास नहीं है इतने जी, तो आपको 1.5 रुपए किलो भी मिल जाता है, तो फिर आप ये करेंगे कि आपकी गाय की जो डाइट है उसको एक XYZ अमाउंट चाहिए, इतने कैलोरीज चाहिए, इतना प्रोटीन चाहिए, इतना XYZ चीजें चाहिए, तो आप ड्राई मैटर बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 20 किलो हरा चारा खिला दिया, सो ड्राई मैटर बेसिस पे अगर हम उसको 20% भी अज्यूम करें तो आपका 4 किलो तो दाना इक्विवेलेंट आपने खिला दिया, करेक्ट, पर वही अगर आप 5 किलो ही खिला पा रहे हैं राइट, क्योंकि आपकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है हरा चारा, तो वो 1 किलो इक्विवेलेंट ही आया दाने के राइट, विच मींस आपको 3 किलो दाना और खिलाना। ठीक है, तो नेट नेट ये चीज डिफाइन करना कि आपका कितना खर्चा आएगा और कितना दूध का प्राइसिंग होना चाहिए, वो डिपेंड करता है आपका आप किस मॉडल पे, किस कॉस्टिंग पे, किस सीट पे काम करें। इस चीज में आप उस चीज में कॉम्प्रोमाइज ना करें कि गाय की सेहत खराब हो रही है या कुछ और हो रहा है राइट, आपको खिलाना तो उतना पड़ेगा ही पड़ेगा, अब वो दाने में खिलाओ, हरे में खिलाओ, हरा एक्सपेंसिव है तो साइलेज में खिलाओ, जिस चीज में भी खिलाओ वो आपको खिलाना ही खिलाना है। अगर आपकी इनपुट कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो दूध की प्राइसिंग आपको ज्यादा रखनी पड़ेगी। इसमें जो दूसरा पक्ष है जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि दूसरा तरीका प्राइसिंग करने का ये है कि आप बोलें कि क्या कॉस्ट आ रही है उससे मैं नहीं डिसाइड करूंगा कि मेरे मिल्क का प्राइस क्या है। मेरा मिल्क देसी गाय का अच्छी तरीके से बना हुआ A2 मिल्क है, तो कस्टमर के दिमाग में या जहां मैं दे रहा हूं उनके दिमाग में मैं क्या कहना चाहिए मुझे ये बता के कि इसकी वैल्यू एक्चुअली इतनी है तो ये दूध इतना डिजर्व करता है। देखिए 60 रुपए में तो अमूल का भी आता है ना, बिल्कुल, अगर आपने यही 60 रुपए में बेच दिया पहली बात तो 60 रुपए में सरवाइव नहीं करोगे राइट, बिल्कुल, तो फिर आपका काम ये है आप जहां पे दे रहे हैं उसमें आपको जो ले रहा है आपसे उसको वैल्यू पता चले कि इसकी क्या वैल्यू है, तो आपका खर्चा है इससे डिसाइड मत होने दो कि इस दूध को आपको कितने में देना है। और मार्केटिंग भी नहीं लोगों को करनी आती, मार्केटिंग का बहुत बड़ा इशू है, लोग मार्केटिंग के कारण बहुत मार खाते हैं। इस चीज में भी डिपेंड करता है कि आप किस मार्केट में बेच रहे हैं, अगर आप
सी प्लांट को दे रहे हैं, वीटा के प्लांट को दे रहे हैं, तो आप कितनी भी मार्केटिंग कर लो उन्हें तो फैट पे उस पे ही लेना है ना, लेना है बिल्कुल। तो सबसे पहली गलती तो यही होगी अगर आप वहां दे रहे हैं, कम से कम आप पड़ोसी को तो दीजिए जहाँ पे आप 40 रुपए की जगह 50 ले पाए या 60 ले पाए, बिल्कुल है ना। सो ये बड़े टफ सवाल है। सो मैं नए गोपालकों को तो यही कहना चाहूंगा कि 1 लाख रुपए की बहुत अच्छी गाय जो यंग है, हर साल बच्चा देने की उम्मीद है और अच्छा दूध है, वो बेहतर है वर्सेस 50,000 की एवरेज गाय, बिकॉज साल में गाय का खर्चा इस अमाउंट से बहुत ज्यादा है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो गलती ना करें, काउ सिलेक्शन जो बेसिक स्टेप है, काउ सिलेक्शन अच्छी करो। हाँ, और अगर कोई वर्थ है जी तो उसका देना बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत टाइम में सीखने के बाद समझ में आता है, यू नो, जब सब कर लेते हो ना, एवरेज भी लेके ये भी करके वगैरह वगैरह, तब समझ में आता है कि इम्पोर्टेंट चीजें क्या है। ठीक है आशीष भाई, बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ कि फार्मर्स को बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी और बहुत अच्छा एक रास्ता मिला होगा कि हमें गाय गौ पालन किस तरीके से करना है और जो गलतियां हम कर रहे हैं उन गलतियों से हम कैसे निकल सकते हैं। आदित्य भाई, अभी भी मेरे को भी, मैं बोलूंगा मैं बहुत यंग हूँ, 7-8 साल कोई टाइम नहीं होता जी, तो जो भी मैंने बताया है, जो अभी तक सीखा है वो बताया जी। सो आई होप इससे अगर किसी को कुछ मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट ये पूरी नॉलेज नहीं है, अभी बहुत कुछ और है जो मैं भी सीखूंगा। एंड थैंक यू सो मच, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो कि सब जगह जाके आप सब जगह से नॉलेज कलेक्ट करोगे तभी एक नॉलेज पूल बन पाएगा जहाँ पे। सो थैंक यू थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू।